प्राचीन काल में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था क्योंकि लोग न ज्यादा बीमार पड़ते थे और न ही उन्हें कोई गंभीर बीमारी होती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो योग करते थे। हमारे पास योग एक ऐसा इंश्योरेंस है जो बिना एक पैसे खर्च किए हमारे स्वास्थ्य की गारंटी देता है। आज चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 50,000 लोगों के साथ देहरादून में योग किया। पीएम मोदी ने योग के अलग अलग आसनों को बड़ी आसानी से किया। पीएम मोदी ने कहा कि योग ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ दिया है। योग ही वो हथियार है जिसके जरिए दुनिया में शांति आ सकती है। वैसे इस बार योग दिवस की थीम भी है योगा फॉर पीस, शांति के लिए योग। यानी तभी तो कहते हैं योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति। नियमित योग से जीवन में हो सुख शांति। आप दुनिया के मुश्किल से मुश्किल जगह पर योग आसानी से किया जा सकता है। जल, थल और वायु हर जगह योग किया जा सकता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लद्दाख जैसी जगह पर जहां सांस लेना भी दुश्वार है, वहां आईटीबीपी के जवानों ने -25 डिग्री तापमान में बर्फ के बीच योग किया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भी 13,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। सियाचिन में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने सेना के जवानों को योगासन करवाए। मुंबई में INS विराट और INS जमुना युद्धपोत पर नेवी के जवानों ने योग किया। हवा में योग किया गया। एयरफोर्स के पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में जवानों ने हवा में वायु नमस्कार और वायु पद्मासन किए। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी जवानों ने डिगारू नदी में योग किया। यूपी के मुरादाबाद में PSC के जवानों ने पानी में योग किया। यानी आप कहीं भी रहिए, योग कीजिए, रोग को दूर भगाइए, रोज कीजिए और जीते जाइए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। ये दोनों योग से मिल सकते हैं। इसलिए जनता में योग के फायदों का संदेश देने के लिए नेताओं और मंत्रियों ने भी आज योगासन किए। लखनऊ में राजभवन में सीएम योगी के साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल राम नाइक ने योग किया। स्मृति ईरानी ने चंडीगढ़ में योग किया। दिल्ली में राजपथ पर हजारों लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग किया। दिल्ली में ही केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और मनोज तिवारी ने योग किया। मुंबई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी योग किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हजारों लोगों के साथ योगासन किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोटा में योग गुरु रामदेव 2,00,000 से ज्यादा लोगों के साथ योग करके नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। अब आपको नागा साधुओं का योग भी दिखा देते हैं। गुवाहाटी के कामाख्या पीठ में नागा साधुओं ने हैरान करने वाले योगासन किए। विदेश में भी योग मनाया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय दूतावास में योग दिवस मनाया गया। यहां से ड्रोन कैमरे रिकॉर्डिंग भेजी गई वहां से और वो अद्भुत तस्वीर सामने आई। योग कोई धर्म नहीं है, ये एक विज्ञान है, मानव कल्याण का विज्ञान, शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान। और इस विज्ञान को दुनिया भर में मशहूर करने का काबिले तारीफ काम SL ग्रुप ने भी किया है। SL ग्रुप ने योग और प्राकृतिक उपचार के तरीकों को दुनिया में फैलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के सबसे बड़े वेलनेस सेंटर U1 नेचर क्योर सेंटर की स्थापना की। U1 नेचर क्योर सेंटर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। U1 नेचर क्योर सेंटर अमेरिका के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। करीब 1400 एकड़ के हरे भरे इलाके में U1 नेचर क्योर सेंटर का 200 एकड़ का कैंपस है। इसमें योग प्राणायाम के साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर की भी खास सुविधाएं हैं। इसमें पौष्टिक भोजन की खास व्यवस्था की गई। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की इस अनूठी कोशिश के लिए न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने डॉक्टर के उन्हें सम्मानित भी किया है। कामयाबी के लिए कॉन्फिडेंट होना यानी आत्मविश्वास का होना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचा सकता है। आजकल कांग्रेस में राहुल गांधी को लेकर ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। जी न्यूज के कॉन्क्लेव इंडिया का DNA 2019 में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि 2019 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे।
राहुल गांधी पर कांग्रेस के इस ओवर कॉन्फिडेंस पर कांग्रेस का एक और ओवर कॉन्फिडेंट वजह भी है। सुरजेवाला ने दावा किया कि 2019 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन क्या कांग्रेस ने उससे पहले जनता के मूड को कॉन्फिडेंस में लिया है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे कहीं ना ले दे। वैसे बीजेपी भी 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिख रही है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को पूरा यकीन है कि 2019 में एनडीए सरकार की फिर से धमाकेदार जीत होगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया का डीएनए 2019 कॉन्क्लेव में अमित शाह ने कहा कि उन्हें यकीन है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। अमित शाह से जब पूछा गया कि राहुल गांधी भी पीएम बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पीएम बनने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में समर्थन वापस लेने के सवाल पर कहा कि पीडीपी से समर्थन वापसी 2019 की रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की तुलना में महबूबा मुफ्ती जम्मू और लद्दाख से इंसाफ नहीं कर पा रही। आपने सिक्स रैकेट के बारे में सुना होगा, जाली नोटों के रैकेट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने पत्थरबाजी के रैकेट के बारे में सुना है? अब तक आप यही जानते थे कि कश्मीर में फौज के जवानों पर पत्थर बरसाने वाले नौजवान कश्मीरी होते हैं, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नौकरी देने के बहाने पत्थरबाजी के लिए दूसरे राज्यों से नौजवानों को कश्मीर बुलाने की साजिश रची जा रही है। यूपी के बागपत में दो नौजवानों ने इसका खुलासा किया। इन्हें कपड़ा सिलाई के काम के लिए कश्मीर बुलाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पत्थरबाजी का ऑफर दिया गया। इन युवकों के मुताबिक जिस कपड़ा फैक्ट्री में वो काम करते थे, उस फैक्ट्री के मालिक ने ही उन्हें पत्थरबाजी के लिए मजबूर किया। इनके मुताबिक फैक्ट्री मालिक एक बार उन्हें पत्थरबाजी कराने के लिए साथ भी ले गया। उसके बाद ये दोनों नौजवान किसी तरह कश्मीर से बचकर निकले और यूपी में अपने घर पहुंचे। अब यूपी पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहां दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से शादी करने की पूरी आजादी है। ऐसी ही एक शादी साल 2007 में लखनऊ में हुई थी। तनवी सेठ नाम की एक हिंदू लड़की ने अनस सिद्दीकी नाम के मुस्लिम लड़के से शादी की। कल दोनों लखनऊ के पासपोर्ट दफ्तर गए थे। तनवी का पासपोर्ट बनना था, अनस का रिन्यू होना था। तनवी का आरोप है कि पासपोर्ट ऑफिसर ने उनसे कहा कि उसने शादी के बाद अपना सरनेम क्यों नहीं बदला। तनवी का आरोप है कि ऑफिसर ने उसके मुस्लिम पति से पासपोर्ट के बदले धर्म बदलने और साथ फेरे लेने की बात कही और उनके पासपोर्ट को होल्ड कर दिया। तनवी ने ट्वीट के जरिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से शिकायत की। इसके बाद आज ऑफिसर का तबादला कर दिया गया और पति पत्नी का पासपोर्ट भी बदल गया। हालांकि आरोपी ऑफिसर का दावा है कि निकाहनामे में महिला का नाम तनवी की जगह शादिया लिखा था और मैंने तनवी को उनका नाम शादिया अनस करने को कहा था, जैसा कि उनके निकाहनामे में लिखा है। पाकिस्तान आतंकवाद को सिर्फ पालता पोसता ही नहीं है, अब वो आतंकवाद की शिक्षा भी दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के इंजीनियर्स को मैनेजमेंट की पढ़ाई करा रहा है। खुफिया सूत्रों की माने तो लाहौर में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज अल कदेसिया में इंजीनियर्स को मैनेजमेंट कोर्स की जिम्मेदारी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की को दी गई है। मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद लश्कर इन इंजीनियर्स को एबोटाबाद में अपने दूसरे सेंटर पर भेजेगा, जहां उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कोर्स पूरा होने के बाद इंजीनियर्स को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में नौकरी के लिए भेजा जाएगा। बदले में लश्कर इनकी सैलरी का एक हिस्सा लेगा, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों में किया जाएगा। यानी लश्कर ने पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया। W1H की आखिरी हेडलाइन में आपके लिए संदेश भी है और सबक भी। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, यानी रफ्तार रोमांच तो देती है लेकिन जान भी ले लेती है। ऐसा ही हुआ ग्वालियर के एक परिवार के साथ। परिवार के 20 लोग किसी रिश्तेदार की मौत के गम में शामिल होने मुरैना जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बड़ा हादसा हो गया। जिस जीप में ये लोग सवार थे वो रेत से भरी ट्रॉली से टकरा गई।
हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक जीप और ट्रॉली दोनों की स्पीड बहुत तेज थी। हमारी आपसे विनती है, आपको सलाह है कि हाईवे पर गाड़ी चलाएं तो सावधानी के साथ चलाएं, रफ्तार पर कंट्रोल रखें क्योंकि आपकी जान कीमती है। योग दिवस पर आज दुनिया ने भारत की योग शक्ति देखी। खुद पीएम मोदी ने लोगों के बीच में जाकर योग किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 50,000 लोगों के साथ योग किया। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीएम मोदी ने लोगों के बीच योग किया। पीएम मोदी ने सुबह 7 बजे से योगासन किए, लोगों को फायदे भी बताए। वहीं कोटा में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और सीएम वसुंधरा राजे ने योग किया। आज चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी ने 45 मिनट योगासन किए। कोटा में 2,00,000 लोगों ने एक साथ योग कर रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैदान में सुबह 7 बजे पहुंचे। योग से पहले वहां मौजूद 50,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। कहा, देहरादून से डबलिन तक, शंघाई से शिकागो तक, जकार्ता से जोहानसबर्ग तक योग हो रहा है। ये दुनिया को एक करने के लिए बड़ी ताकत बन गया है। योग दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए आज कई बड़े मंत्री और नेता लोगों के बीच पहुंचे। आज कई मंत्री और नेताओं ने अलग अलग शहरों में योग किया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, चंडीगढ़ में स्मृति ईरानी, मुंबई में प्रकाश जावड़ेकर और नोएडा में पीयूष गोयल ने योग किया। आज सुबह आंध्र प्रदेश के अमरावती में चंद्रबाबू नायडू और बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी योग किया। 2015 से हर साल बड़े मंत्री और नेता योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। देश भर में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मंत्री और नेताओं ने लोगों के बीच जाकर योग किया। दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी योग किया। आज सुबह से ही देश भर में योग के कार्यक्रम शुरू हुए। अलग अलग शहरों में अलग अलग मंत्री और नेता जनता के बीच पहुंचे और योग किया। लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वीवीआईपी लोग सीधे लोगों के बीच पहुंचे। सिर्फ बीजेपी या केंद्र सरकार ही नहीं, दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमरावती में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी योग किया। मेरा ये प्रश्न है हर भारतीय से कि आज तक किस लीडर ने आपके स्वास्थ्य की चिंता करी है, आपका जो जीवन है उसको लंबे करने की कोशिश करी है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करी है? एक दुनिया में आंदोलन बन गया, भारत में तो गली गली में, गांव गांव में कहीं ना कहीं योगा के क्लास होते हैं, लोग जाते हैं। योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा योगदान है। योग दिवस पर आज अलग अलग रंग भी देखने को मिले। इसका मकसद लोगों को ये बताना है कि योग कहीं भी कभी भी किया जा सकता है और ये हर किसी के लिए फायदेमंद। योग दिवस पर आज दिखे अलग अलग रंग, जल थल आकाश में योगासन किया गया। लद्दाख और रोहतांग में ITBP, मुरादाबाद में PAC और हवा में IAF के शूरवीरों ने योग किया। आज नेवी ने भी INS विराट, INS जमुना, INS ज्योति पर योग किया। जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में BSF के जवानों ने योग किया। अलग अलग जगह और माहौल में योग से बताने की कोशिश हुई कि योग हमेशा संभव और असरदार है। गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अहमदाबाद में 800 दिव्यांगों ने एक साथ योग किया। ITBP के जवानों ने रोहतांग में 13,200 फीट और लद्दाख में 18,000 फीट पर सूर्य नमस्कार किया। मुरादाबाद में PAC के जवानों ने पानी में योग किया। जवानों ने प्राणायाम सहित कई आसन किए। जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में BSF जवानों ने योग किया।
तो हवा में इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने कमाल किया। पैराट्रूपर्स विंग कमांडर KBS सामयाल और गजानंद यादव ने वायु नमस्कार और वायु पद्मासन किया। मुंबई में INS विराट पर नौसैनिकों ने योगाभ्यास किया। वॉशिंगटन DC में 2,500 लोगों ने कैपिटल हिल पर योग किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी योग दिवस शानदार तरीके से मनाया गया। न्यूयॉर्क में भी पूरे जोश के साथ योग दिवस मनाया गया। कोपेनहेगन के मशहूर किंग्स गार्डन में योग दिवस का आयोजन हुआ। काठमांडू में 12,500 फीट पर बौद्ध भिक्षुओं ने योगासन किया। बैंकॉक में योग दिवस के मौके पर 7,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। भारत अमेरिका को बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है। ऐसे रूप के ड्रीम प्रोजेक्ट का आज PM मोदी उद्घाटन करेंगे। PM मोदी SL ग्रुप के अमेरिका में बने योवन नेचर क्योर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। न्यूयॉर्क के पास कैटस्किल्स पहाड़ियों की गोद में बसे मोंटिसेलो इलाके में SL ग्रुप ने योवन नेचर क्योर सेंटर की स्थापना की। आज रात PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। 3,00,000 स्क्वायर फीट में योवन अमेरिका का सबसे बड़ा नेचर क्योर सेंटर है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 2013 में इसके लिए जमीन खरीदी। 21 जून 2015 को खुद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भूमि पूजन किया, योवन की नींव रखी। योवन नेचर क्योर सेंटर करीब 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से बनकर तैयार हुआ है। योवन नेचर क्योर सेंटर में योग प्राणायाम सिखाने की व्यवस्था के अलावा आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर की भी खास सुविधा है। 3 दिन से लेकर 10 दिन तक ये स्पेशल कोर्स डिजाइन किए गए हैं। योवन सेंटर में 131 ऐसे कमरे बनाए गए हैं जिसमें तमाम तरह की थेरेपी के लिए खास उपकरण और विशेषज्ञ मौजूद होंगे। 5,000 वर्ग फीट का इंडोर स्विमिंग पूल, रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए खास वॉकवे और पौष्टिक भोजन की खास व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही खुशी का दिन मेरे लिए है, क्योंकि ये इसके विषय में हम लोग 5 साल से प्रयासरत थे। काम काफी दिनों से चालू था और जिस तरह का सेंटर है ये बहुत बढ़िया बन के निकला है। मुझे आशा है कि भारत के भी कुछ लोग यहाँ आके अपना आनंद लेंगे और यहाँ पे वेलनेस और योगा, आयुर्वेद, नेचर क्योर इत्यादि सभी चीज़ों का आनंद लेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के इस अनूठे प्रयास की न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने सराहना की और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सम्मानित किया। आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे एट द असेंबली हाउस ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट। असेंबली इज फैसिलिटेटिंग योवन सेंटर एंड मी एंड मोर देन मी आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वी आर इनॉग्रेटिंग और ही इज इनॉग्रेटिंग ए बिगेस्ट वेलनेस सेंटर इन न्यूयॉर्क। 2019 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस ऐलान के बाद महागठबंधन बन पाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी 2019 में PM पद के दावेदार होंगे। सुरजेवाला ने दिल्ली में जी न्यूज के कार्यक्रम इंडिया का DNA 2019 में ये बयान दिया। रणदीप सुरजेवाला से कल जब पूछा गया कि विपक्ष का PM कैंडिडेट कौन होगा, इसके जवाब में उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि उन्हें 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, इसीलिए राहुल की दावेदारी स्वाभाविक है। हालांकि महागठबंधन की कोशिश में लगी पार्टियों में से किसी ने PM उम्मीदवार पर कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है विपक्ष में। स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष प्राकृतिक तौर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। सुरजेवाला जी ने कहा है कि 200 सीटें कांग्रेस जीतेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।
निश्चित रूप से देश की जनता तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये पहली बार किसी कांग्रेसी ने एक्नोलेज किया है कि वो बन सकते हैं। कर्नाटक से लेकर आज तक कांग्रेस का एक नेता नहीं बोला कि हाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते। उनके घर से, परिवार से, उनकी पार्टी ने बहुत प्रधानमंत्री देखे, इसलिए उन्हें एडवांटेज है इतना बड़ा सपना देखने का।